हाँ जी, गुरु स्टडी पॉइंट ते आप जी का स्वागत है जी। सो दोस्तों, जीके दे नाल संबंधित आपां लड़ी शुरू की है, दो नंबर लैक्चर अज शुरू कर रहे हैं, भाग नंबर दो। सो पहला प्रश्न देखते हैं, जीके की तैयारी तुसी सारिया पोस्टां वास्ते कर सकते हो। जिन्नियां भी पोस्टां पंजाब दे विच आईयां ने, सारिया पोस्टां दे सिलेबस दे विच 15 तो 20 नंबर की जीके का पार्ट जरूर आउंदा। सो जीके की तैयारी सारिया की होनी अति जरूरी है। शुरू करिए जी, पहला प्रश्न, भारत के तीजे राष्ट्रपति कौन सन जिन्हों का दफ्तर के ही निधन हो गया सी, भाव कि उन्हों की मौत हो गई सी। भारत के तीजे अजिहे राष्ट्रपति रहे ने जिहड़े दफ्तर के काम करते हुए जिन्हों की मौत हो गई, कौन सी? ऑप्शन नंबर 3 सही है, डॉक्टर जाकर हुसैन। यह मतलब भारत के तीजे राष्ट्रपति सी, ध्यान च रखियो, तो इन्हों की काम करते हुए ही दफ्तर च मौत हो गई सी। जिहड़े वीवी गिरी ने, डॉक्टर वीवी गिरी, इन्हां दी गल करिए, ये पहले एक्टिंग राष्ट्रपति बने सीगे। जिहड़े नीलव संजीवा रेड्डी ने, इन्हां दा कार्यकाल सब तो लम्मा गिणिया जांदा है, ते ज्ञानी जैल सिंह ये पंजाब दे नाल संबंधित सी। दो नंबर प्रश्न जी, भारतीय संविधान बनाउण लई किन्ना समां लग्गिया? सो भारत दा संविधान जदों तैयार कीता गया काफ़ी समां लग्गिया, ते ओह प्रोपर सही डेट है जिहड़ी, उहदी ऑप्शन नंबर 3 दे विच हैगी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे भारत दा संविधान बनाउण लई। 60 देशां दा संविधान पढ़िया गया, संविधान नूं बनाउण दे लई 60 देशां दा संविधान पढ़िया गया। 26 नवंबर 1949 नूं इह संविधान सी जिहड़ा तैयार कर लिया सी। फिर 26 जनवरी 1950 नूं इह लागू कर दिता। दो डेटा अति जरूरी याद रखनिया ने, एक डेट तां सौखी तुहानूं जाण दिओ तुसीं, 26 जनवरी 1950 जदों भारत दा संविधान लागू कीता गया। पर यह संविधान लागू होने तो पहला तैयार कदों हो गया सी, बन के तैयार हो गया सी 26 नवंबर 1949 नूं। किन्ने देशों का संविधान पढ़िया गया? 60 देशों का संविधान पढ़िया गया इनू बनाने वास्ते। समा कि लग्या? 2 साल 11 महीने 18 दिन। सो अगला प्रश्न करते हैं, 3 नंबर, जापान के शहर हीरोशिमा अते नागासाकी ते किस देश ने परमाणु बंब सुट्टे? सो परमाणु बंब सुट्टे गए सीगे जापान के दो शहरों के, अमेरिका वालों डिगे गए सी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 6 अगस्त नूं पहला डिग्गिया सी, 6 अगस्त 1945 दे दिन, दूसरा 9 अगस्त 1945 नूं। दो बंब डिग्गे सी, परमाणु बंब सीगे जिन्हां नाल बहुत ज़्यादा तबाही होई सी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 4 नंबर प्रश्न, व्यापार दे उद्देश नाल सब तो पहला किहड़ा पुर्तगाली यात्री भारत दे विच आया? सो सब तो पहला जिहड़ा पुर्तगाली यात्री किहड़ा आया सी भारत, ते व्यापार करन दा उद्देश लैके आया सी? इह आया सी वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर 1 सही है जी, वास्को डी गामा कदों आया सी भारत दे? पहली गल तां इह नोट कर लो, कालीकट नां दी बंदरगाह ते उतरिया सी इह, कालीकट नां दे स्थान ते पहुंचिया सब तो पहला भारत दे 20 मई 1498। इस समय 20 मई 1498 नूं इह कालीकट दे स्थान ते भारत दी बंदर ते स्थान ते पहुंचिया वास्को डी गामा। पुर्तगाल दा सी पहला यात्री सी, व्यापार दे उद्देश नाल आया सी। बाकी जिहड़ियां हैगियां सीगियां विदेशी ताकतां, ओह इस तों बाद आईयां सी सारियां भारत दे विच। 5 नंबर प्रश्न, IPC दा पूरा नां की है? सो ऑप्शन नंबर 1 सही है जी, IPC दा पूरा नां इंडियन पैनल कोड। कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है शॉर्ट फॉर्म दे के, IPC दा फुल फॉर्म की है? इंडियन पैनल कोड। GK दे विच शॉर्ट फॉर्म दे के फुल फॉर्म पूछी जाती है, 2-3 प्रश्न आते हैं इदा दे। 6 नंबर प्रश्न करते हैं, अगस्त 2020 किस देश दे अमोनियम नाइट्रेट गोदाम विच भयानक विस्फोट होया? 2020 दे विच होया सी ये, अमोनियम नाइट्रेट गोदाम दे विच भयानक अग लगी सी, विस्फोट हो गया सी, बड़ा मशहूर प्रश्न है ये। चीन, लिबनान, पाकिस्तान ते दक्षणी अफ्रीका, दक्षणी अफ्रीका। सो केड़ी ऑप्शन सही है जी? ऑप्शन नंबर 2, लिबनान दे विच होया सी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7 नंबर प्रश्न,
केरल के केजी कोड हवाई अड्डे से उतरन समय केड़ी कंपनी के जहाज़ के दो टुकड़े हो गए थे। केरल का एक हवाई अड्डा गा केजी कोड कोजी कोड भी कह देते हैं, उत्थे एक जहाज़ उतर रहा है, वह जहाज़ का उतरन समय दो टुकड़े हो गए थे। वह केड़ी कंपनी का जहाज़ से हेठ लिखी ऑप्शन के लभना है। ऑप्शन नंबर एक नाल जावांगे एयर इंडियन एक्सप्रैस, एयर इंडिया एक्सप्रैस जहाज़ से इस कंपनी का। अठ नंबर प्रश्न, हेठ लिखिया विचों केड़ा जीव अलोप हो चुका है? तुसी सारे जानते हो डायनासोर, डायनासोर धरती तो अलोप हो चुका जीव आ। नौ नंबर प्रश्न जी, प्रसिद्ध पुस्तक दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध पुस्तक है ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लेखक कौन ने जी? नौ नंबर प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर एक सही है, पंडित जवाहर लाल नहरू की लिखी हुई किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जेडे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने इन्होंने किताब लिखी सी विंगज ऑफ फायर, विंगज ऑफ फायर इन्हों की किताब हैगी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। महात्मा गांधी की गल करिए, इन्होंने बहुत सारिया बुक्स लिखिया ने जिमें जंग इंडिया, नवजीवन, इस तरह दगत सिंह दी जानते हो जेल डायरी, मैं नास्तिक क्यों हाँ। सो ऑप्शन नंबर एक सही सी जी। दस नंबर प्रश्न, 13 अप्रैल 1919 लोग जिल्हावाले बाग में क्यों इकट्ठे होए? सो केड़ी ऑप्शन सही है जी? भी 13 अप्रैल दे दिनों जो बड़ा खूनी साका भारत के पंजाब के जिल्हावाले बाग के वापरिया 1919 के समय 13 अप्रैल में विसाखी वाले दिन उत्थे लोग इकट्ठे क्यों हुए सी, कारण की सी? सो ये हुए सीगे जी, ऑप्शन नंबर दो सही है, डॉक्टर सत्यापाल ते डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने लई। हुण इत्थे जिहड़ी ऑप्शन नंबर तीन आ गई ये भी कितें ना कितें ढुकदी है। वैसे ऑप्शन सही दो नंबर है जी, जिहड़ा रोल टैक्ट पास होया सी उहदा विरोध हो रहा सी, बाकी ये भारत दे विच पूरा विरोध हो रहा सी। इस रोल टैक्ट के विरोध के लिए जो भारत के जलसे हो रहे इस रोल टैक्ट का जो मुख्य काम से वह यह भी किसी भी बंदे बिना अपील सुने बिना दलील दिते गिरफ्तार कर लो। तो पंजाब के अमृतसर के डॉक्टर सत्यापाल ते डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नूं गिरफ़्तार कर लिया, उन्हां दी जो गिरफ़्तारी हो गई वह गिरफ़्तारी के विरोध के लोग इकट्ठे हुए थे जिल्हावाले बाग च विसाखी वाले दिन। मतलब उत्थे जिहड़ा खूनी साका जिहड़ा वापरिया सीगा, जिहड़ा खूनी हत्याकांड करीदा कीता सी अंग्रेज़ां ने। सो ऑप्शन नंबर दो सही है जी। ग्यारह नंबर प्रश्न, माझा किहड़े दो दरियावां दे विचकार दा खेतर है? ब्यास ते रावी, रावी ते जेलम, ब्यास ते सतलुज, रावी ते सतलुज। माझा किहड़े दो दरियावां दे विचकार दा खेतर है? ऑप्शन नंबर एक सही है जी, ब्यास ते रावी दे विचकारले खेतर नूं माझा बोलिया जांदा है। बारह नंबर प्रश्न, सरदार भगत सिंह ने किसनों मार के लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया? सांडर्स नूं मारिया, माइकल उडवैर नूं मारिया, जनरल डायर नूं मारिया, साइमन कमीशन नूं मारिया। सो साइमन कमीशन तो देखो सत्त जण्यां की एक टोली सी, टीम सीगी, तो ऑप्शन नंबर एक सही है बारह का, सांडर्स नूं मारिया सी भगत सिंह ने ते लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया सी। तेरह नंबर प्रश्न, बक्सर की लड़ाई अंग्रेजा किस विचकार हुई? सालम, सिराज उद्दौला, मीर कासम, उपरोक्त सारे। ऑप्शन नंबर फोर सही है जी, सारे बंदे सीगे बक्सर की लड़ाई के विचे सारे शामिल सी। शाह आलम देखो नवाब सीगा, सिराज उद्दौला सी ते मीर कासम सी, ये सारे इकट्ठे सीगे एक पासे अंग्रेज सीगे। ऑप्शन नंबर फोर सही है जी। चौदह नंबर प्रश्न, भारत के किस राज विच सूरज सब तो पहला दस्तक दिंदा? मतलब सूरज सब तो पहला कित्थे चढ़दा है भारत के विच, जां चढ़दे सूरज का राज किहनूं बोलिया जांदा है? अरुणाचल प्रदेश नूं। ऑप्शन नंबर एक सही है, अरुणाचल प्रदेश नूं कहा जांदा है। ये जे पुछ लिया जाए भी चढ़ते सूरज का देश किहड़ा, इत्थे तां हुण आपां दस्सिया गया चढ़ते सूरज का राज अरुणाचल प्रदेश, चढ़ते सूरज का जिहड़ा देश है वह है जापान, जापान दे विच सब तो पहला सूरज चढ़ता जी। पंद्रह नंबर प्रश्न, भारत में सब तो वड्डी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली। सो यही है जी, ऑप्शन नंबर एक सही है।
जिहड़ी जामा मस्जिद है दिल्ली दे विच भारत की सब तो वड्डी मस्जिद है, किने बनाई सी? शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाई सी जी, ये 6 साल दे विच बनवाई सी, ये 1650 तो लेके 56 तक 6 साल लगे इसनूं बनाउण वास्ते। ये लगभग 41 मीटर उची है, लगभग 41 मीटर उची है जी ये। सो दोस्तों, यह 15 प्रश्न जीके दे नाल संबंधित। इस तरह आप लड़ी चलाई हुई हैगी, डेली लैक्चर लैके आवेंगे जीके का। अपने चैनल में सबसक्राइब कर लियो, सारिया पोस्टा के काम आऊगा जीके का। सो इस तरह आप मास्टर केडर का SST पोस्टा संबंधित भी शुरू किया हुआ लड़ी। सो अगे शेयर करो, लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो लैक्चर में। तद तक लिए सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है।